हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फ्लोएम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर यानी कि फिगर, उसका हम लोग देखते हैं कि कैसे कंपेनियन सेल और जो है सिप ट्यूब एक साथ मिलकर के फंक्शन करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके बाद जो है उसका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो बोर्ड पर देखिए कि जैसे यहाँ पे फिगर मैं बनाया हूँ, तो यहाँ पे जो कुछ फिगर जो दिख रहा है, ये सब छोड़ दिए हैं, सभी जो है सिप ट्यूब होगा, कंपेनियन सेल होगा। तो यहाँ पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये कंपेनियन सेल है और ये सिप ट्यूब है। तो मान लेते हैं कि फिर ये सिप ट्यूब है तो इधर का कंपेनियन सेल हो जाएगा, तो ये कंपेनियन सेल हो जाएगा, दोनों एक साथ मिल करके फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ भी जो है सिप ट्यूब यहाँ पर बना दिए हैं, तो ये सिप प्लेट के साथ सिप पोर्स हैं और ये हो गया सिप ट्यूब। और यहाँ पर देखें ये स्ट्रक्चर, ये वैक्यूल हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जब प्लांट के स्टेम को जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे, इस टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, और ऊपर से नीचे की ओर इसे काटेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, यानी कि इस तरीके से जैसे ये स्टेम हो गया और चाहे रूट हो गया, और इसको ऐसे जब काटेंगे, काट करके और जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और इसी स्टेम को या रूट को ऊपर से नीचे की ओर ऐसे अगर हम ब्लेड से काटते हैं इसे, और तब उसको जो हम माइक्रोस्कोप पर रख करके देखते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। आइए अभी जो फिगर बनाए हैं ये ऐसे जो है काट करके इसका फिगर देखा गया है, तो इस तरह के फिगर हम लोग को दिखाई देगा। तो इस तरीके के फिगर जो हम लोग को मिलेगा, तो ये हो जाएगा फ्लोएम टिश्यू का डिफरेंट पार्ट्स। तो मेनली जो है सिप ट्यूब और कंपेनियन सेल, यही दोनों मिल करके फूड को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, और जो फ्लोएम फाइबर है वो फूड को स्टोरेज करने में, फूड को पैकिंग करने में हेल्प करते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वह जो है मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यानी प्लांट के पार्ट को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब कहता है कि फंक्शन, यानी कि फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है। तो मालूम है कि फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स to the other parts of the plant downward directions, upward and downward directions and growing regions of the plant body and growing region of the plant body। अब जो है इसके बाद जाइलम और फ्लोएम में हम लोग डिफरेंसेज नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। डेट्स ऑल।